अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि सब खैर खैरियत से होंगे। यामा YB100 1997 मॉडल, टोटली जेन्युइन बाइक है, रिम तक इसके अपने हैं, मेड इन जापान। तो ये लोकेशन इसकी मंडी बहावलदीन की है। तो आए जनाब अपने रिव्यू की तरफ चलते हैं। तो ये है जनाब आज का नगीना, नायाब तोहफा। तो ये सारी बाइक जेन्युइन है जनाब, ठीक है। ये इसका मीटर चेक कर सकते हैं हम, ठीक है जी। 1997 में इस पोजीशन में बाइक आया करती थी। तो ये मेरे दोस्त हैं, इन्होंने बड़ी संभाल के रखी है, ठीक है। तो अभी तक जनाब ये बेसिकली इसका शॉक करते हैं। इंडिकेटर्स हैं जनाब इसके अपने, चेक कर सकते हैं, फ्रंट हेडलाइट और दूसरा इंडिकेटर की पोजीशन चेक कर सकते हैं। ये ज़रा क्लोज करके मैं आपको चीज़ें चेक करवाता हूँ कि आपको पता चले कि माशाल्लाह जो लोग शौक करते हैं वो फिर इन चीज़ों का बड़ा ख़ास ख्याल रखते हैं। तो ये एक शौक है मेरे भाई का। इसका सिलेंडर चेक करवाता हूँ क्लोज़ करके, ज़रा ये देखिएगा, ये स्टैम्प होती थी 1997 मॉडल को, ये स्टैम्प पे सिलेंडर आया हुआ। वैसे दाऊद ने भी यही लगाया हुआ, तो सीरियल वाइज डिफरेंट रहा है। वैसे स्टैम्प एक ही थी, दूसरी साइड पर वो डिफरेंट था इसकी जो स्टैम्प थी, जैसे DY431 ऐसे। तो इंजन के पार्ट्स चेक कर सकते हैं, माशाल्लाह अभी तक पूरी शाइन में है, ठीक है जी। बैक लाइट कवर तक जनाब चेक कर सकते हैं कि ये अभी तक इसका जेन्युइन है। सीट गोला चेक करवाता हूँ, जो मेन चीज़ ख़राब होती है, शॉपर के अंदर भी ख़राब हो जाती है, ठीक है, जितनी मर्जी आप केयर कर लें। तो खैर जापान जापान ही था, तो वो चीज़ें जनाब अभी तक देखें ख़राब नहीं होती। जापान की जो चीज़ें हैं ना, जो संभाल कर रखी हुई हों तो वो ख़राब नहीं होती। ये चैन कवर, साइड मैगनेट टापा चेक कर सकते हैं। माशाल्लाह इंजन भी नीट एंड क्लीन चाहिए, तबीयत खुश होती है चीज़ देख के। तो आए साउंड की तरफ चलते हैं। तो ये इसका साउंड जनाब जेन्युइनली साउंड है इसका, क्या बात है। इसका मैं सीट का जो है ना शापर उतार चुका हूँ, तो मैंने कहा ज़रा नीचे से इसकी सीट पता चले कि किस पोजीशन में है। तो माशाल्लाह पूरी कंडीशन में है यार। अभी तक इसके मोनो के कलर ख़राब नहीं हुए अंदाज़ा करें आप, क्योंकि जो रगड़ रगड़ के कपड़ा लगाते हैं ना, मारते पॉलिश लगा रगड़ रगड़ के चमका, उन्होंने कलर जाते हैं। इतना भी हैवी कपड़ा नहीं लगाना चाहिए बाइक की शाइन ही ख़राब हो जाए, खुद ही ख़राब कर लेते हैं कुछ लोग। तो ये माशाल्लाह ठीक है, साफ़ करें आप, लेकिन नॉर्मल तरीके से साफ़ करें, रगड़ें ज़रा आस्ता करके, आराम से रगड़ें ज़रा उसको। तो ये सिलेंसर के ऊपर स्टैम्प चेक कर सकते हैं कि अभी तक इसका सिलेंसर जो है इसका अपना सिलेंसर है, ठीक है जी। तो मज़ीद मिलते हैं किसी और यामे के साथ, अब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।